दोस्तों हमने बजिस पैरट की ब्रीडिंग कॉलोनी लगाई हुई है और इस ब्रीडिंग कॉलोनी में लगभग 100 पेयर से ऊपर बजिस पैरट रहते हैं। तो दोस्तों लगभग हर मटकी में दोस्तों ब्रीड आई हुई है और जिनमें नहीं आई उनमें भी बर्ड्स दोस्तों बैठे हुए हैं ब्रीड करने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बनाने का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर ब्रीडिंग कॉलोनी में बर्ड्स ने ब्रीड की हुई है तो जो छोटे चिक्स होते हैं जिनके अभी पैदा नहीं आते तो उन पे यदि चींटियां हमला कर दे तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं और कभी कभी उनकी जान भी ले लेती हैं, क्योंकि हर इलाके में कुछ अलग प्रकार की चींटियां पाई जाती हैं और कुछ चींटियां काफ़ी ज़्यादा हमलावर होती हैं। दोस्तों आपने अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग से इन चींटियों को दूर कैसे रखना है उस विषय पे आज की वीडियो हम बना रहे हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ब्रीडिंग कॉलोनी में कितनी सारी चींटियां आ गई हैं, कुछ चींटियां छोटी हैं और कुछ बड़ी। दोस्तों इन्हें कैसे आपने अपनी ब्रीडिंग कॉलोनी से दूर रखना है या मार भगाना है। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है इसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। दोस्तों ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया काम करता है काकरोचिस और चींटियों पर। दोस्तों अभी इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है दोस्तों हम वो भी हम आपको बताएंगे। ये महज 10 से 15 रुपए में आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसका प्रिंट रेट जो है वो 16 रुपए है दोस्तों। और ये काम कैसे करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके अंदर से अगर खोला जाए तो इस प्रकार से एक चौक सा निकलेगा दोस्तों। और आपने कुछ नहीं करना, चौक पर से जो रैप होता है इसका उसको उतार के इस प्रकार से आपने अपनी ब्रीडिंग कॉलोनी की दीवारों पर दोस्तों ऐसे ही एक लाइन को खींचना शुरू कर देना है। ध्यान दें कि लाइन को आपने डार्क खींचना है, लाइन जो आपने खींचनी है वो लाइट नहीं होनी चाहिए। एक दो बार लाइन पर आपने चाक को रिवर्स करके घुमा लें एक दो बार। और दोस्तों इसे लगाने से महज 10-15 मिनट के अंदर अंदर जो भी चींटी आपकी ब्रीडिंग कॉलोनी में होगी वो दोस्तों मर जाएगी। इसे आपने वहीं लगाना है जहां पर चींटियों का ज़्यादातर आना जाना लगा हो। हालांकि आप हम इसे पूरी ही ब्रीडिंग कॉलोनी की दीवारों पर चारों तरफ इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे जिससे कोई भी चींटी अगर हमारी ब्रीडिंग कॉलोनी में या किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारी ब्रीडिंग कॉलोनी में आए तो वो मर जाए। दोस्तों जैसे कि बाहर से चींटियां आ रही थी तो यहाँ छोटा सा होल है इसके अंदर वो घुस रही थी, तो हमने इस होल के इर्द गिर्द भी इस रेखा को लगा दिया है। आपको दिख रहा होगा अगर आपकी ब्रीडिंग कॉलोनी में कहीं से चींटियां आ रही हैं या उधर से निकल रही हैं आप वहां भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चौक लगाने के महज 2 मिनट के बाद आपको चींटियों का हाल भी हम दिखा देते हैं। दोस्तों अभी चौक लगाए हुए हमें 2 मिनट नहीं हुई और चींटियों ने जो है मरना शुरू कर दिया है। ऐसा करके आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग कॉलोनी में से अपने बर्ड्स को सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर चींटियां आपके बर्ड्स पर हमला कर दे तो वो जो है चिक्स को परेशान करती है और उन्हें जो है नोचना शुरू कर देती हैं, जिससे चिक्स जो है परेशान हो जाते हैं और आपके बर्ड्स भी परेशान होते हैं और कभी कभी वो ये उन्हें मार भी देती हैं। दोस्तों लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करके आप चींटियों ही नहीं बल्कि अगर आपके ब्रीडिंग के कॉलोनी में या केज में या आपके घरों में काकरोचिस भी हो तो दोस्तों आप इसे वहां पे लगा सकते हैं, एक भी चींटी और काकरोच वहां से नहीं बचेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।